और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और अपने दम पर कुछ करने के लिए मैंने यूट्यूब को ज्वाइन किया है। सोचती हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ। पढ़ी लिखी नहीं हूँ ज़्यादा, तो कहीं तो जॉब वगैरह नहीं मिल सकती है, तो जितना भी है, लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सबको बहुत अच्छा सम्मान मिल रहा है वहाँ पे। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम लोग के लिए जो हाउसवाइफ्स होते हैं, खास करके हम लोग जैसे। तो हम लोग तो और कोई कुछ कर नहीं सकते, तो इसमें हम लोग अपना जो लक आजमाने की कोशिश करते हैं। और एक ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड रिलेटिव फैमिलीज के साथ। आशा करती हूँ आप लोग ज़रूर मेरा सपोर्ट करोगे, और कुछ लोग मेरा सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। जो जो नए मुझसे जुड़ रहे हैं उनको बहुत सारा धन्यवाद मेरे तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। आप लोग मुझे तो सपोर्ट कर रहे हो, आप लोग के लिए मेरे पास कुछ है नहीं आपको बोलने के लिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि मुझे बहुत सब्सक्राइबर्स मिल, आगे के बदले जितना सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ऐसे ही सपोर्ट, तो फ्रेंड्स ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक से शेयर करना, कमेंट भी करना, तो मुझे पता चलेगा कौन मुझसे नए जुड़े हैं। आप अगर कमेंट कर दोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, चलो कोई तो मुझसे जुड़ा। और आपके अच्छे कमेंट से हमें मोटिवेट होते हैं हम लोग, और आगे वीडियोज़ बनाने की हम लोग में पावर आती है कि अच्छा लगता है कि चलो कोई तो पसंद कर रहा है इसी वजह से। और अभी हो रहा है टाइम 7:30 ऐसे कुछ टाइम हो रहा होगा। मैं फूल गोभी और बीन्स मटर आलू को सबको फ्राई करके निकाल दिया। अभी पनीर फ्राई कर रही हूँ और आज मटर मतलब मिक्स पनीर बना रही हूँ। एक छोटा सा पैकेट था पनीर का, तो मैंने सोचा मिक्स पनीर बना देती हूँ। और आज टमाटर की चटनी खाने का मन कर रहा था, तो मैंने देखा टमाटर की चटनी ऑलरेडी चढ़ा चुकी हूँ। और ये तो नॉर्मल सी चटनी है, तो इसकी क्या रेसिपी आप लोग से शेयर करूँ, इसलिए नहीं कर रही हूँ। आज कोई रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं अपना चूड़ी कलेक्शन आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। पुरानी वाली नहीं, सब न्यू है। अभी जस्ट हम लोग अभी सब गांव से लिया है, और ये सब बर्तन यहाँ पे पड़े हुए थे धोने के बाद बेसिन में, तो वो सब रखने के लिए गई थी। और बेसिन में आज ना थोड़ा पाइप उसका जाम हो गया है, तो सारा पानी बेसिन में ऊपर में उथल पुथल हो रहा है, तो अभी मुझे वो सब सारे को क्लीन करना पड़ेगा। और अभी तक मेरी सर्दी ठीक नहीं हुई है फ्रेंड्स, फिर भी मैं कल जानते हैं कल मैंने सोचा था कोई कलेक्शन डालूंगी, मैंने सोचा था कि ज्वेलरी कलेक्शन डालूंगी, बट उसी वजह से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया दिन भर, लेकिन रात हो गई मैं नहीं कर पाई। तो फिर मैंने शाम को ये ब्लॉग 7-8 बजे ऐसे मैंने स्टार्ट किया ये ब्लॉग फ्रेंड्स, जानते ये जो खाना बनाने का गला पेस रही हूँ, और दूध पैकेट में था तो हम लोग पैकेट वाला ही दूध लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो इसी वजह से। और मैं कुछ खोज रही थी ये बाबू का जो कॉम्प्लेन है उसको मतलब भर रही थी डब्बे में, क्योंकि बाहर रखने से ख़राब हो जाएगा, और पापा के पास इंसुएयर का डब्बा है, तो सोच रही हूँ वही ला के उसमें रखूँ, तो अभी लाई नहीं हूँ। और वो देख सकते हो पनीर मसाला फ्राई हो चुका है, तो उसमें पनीर ऐड कर दूँगी, सारे सब्जी ऐड कर दूँगी, नमक पानी बस ये सब ऐड करके छोड़ दूँगी। और कढ़ाई छोटा पड़ गया, सारा सब्जी ज़्यादा हो गया, तो अब चटनी में गुड़ डालूंगी, तो उसके लिए उसको कूट रही हूँ, क्योंकि गुड़ जो है ना गोटा गोटा गुड़ है इसी वजह से। और ये देखिए गुड़ वगैरह डालने के बाद फिर भी कम पड़ गया गुड़, तो मैंने गोटा गुड़ का हाथ से रगड़ के डाला है, वो अपने आप घुल जाएगा। और इधर मैं बेसिन में देख सकते हो पानी पूरा भरा हुआ, मुझे अभी उसको क्लीन करना है, कैसे क्या मालूम पूरा कुछ जाम हो गया लग रहा है। वो फ्रेंड्स ये देख सकते हो मेरा चटनी वगैरह सब कुछ बन चुका है, और अभी मैं थोड़ी सी आप लोग से बातें कर लेती हूँ। स्वागत है मेरा और एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो आज मैं और कुछ टाइप का ब्लॉग आप लोग से शेयर करने वाली थी मेरा वीडियो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं आप लोग से शेयर नहीं कर पाई, तो इसी वजह से मैंने सोचा शाम का टाइम है और मेरे पास कल डालने के लिए कोई वीडियो नहीं था, मतलब ट्यूजडे को, तो इसी वजह से मैंने शाम से अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट किया है। और अभी बना रही हूँ टमाटर की चटनी, और इधर मैंने मिक्स पनीर चढ़ा दिया है, और हमारे घर का काम और क्या रहता है, खाना बनाओ, घर को साफ करो, बच्चों को देखो, ट्यूशन बच्चों को पढ़ाओ, होमवर्क करो, स्कूल में ऑनलाइन जो होमवर्क आते हैं उसको कम्प्लीट करके डालो, बस यही सब तो काम रहता है हमारा। और मैं वैसे ज्यादा कुछ बाहर कहीं जाती नहीं हूँ, घर ही में रहती हूँ, तो ज्यादा टाइम मैं घर का ही ब्लॉग आप लोग से शेयर करते रहती हूँ। तो आज मैं आप लोग को अपना चूड़ी दिखाऊंगी खाना वगैरह बनाने के बाद, जो दिन मैंने आप लोग से बोला था कि मेरी आंटी जो है गांव से ला दी, ज्यादा नहीं है 5-6 सेट है, ज्यादा नहीं है, जितना भी है मैं आप लोग से शेयर करूंगी आज। और चलिए एक चटनी बना चुका मतलब बनने वाला है, और मैं इसमें अब गुड़ ऐड कर देती हूँ, ठीक है।
मन में अगर आप ठान लो ना ये मुझे करना है तो करना ही है, तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि रोज आप लोग से ब्लॉग शेयर करूँ, देखो उतना मैं कंप्लीट कर पाती हूँ। और इधर में बच्चे लोग पढ़ रहे थे फ्रेंड्स पलंग में, तो देख सकते हो किस तरह से पूरा ये लोग बिखरा के पका मतलब पड़ा रखा है। तो मैंने सोचा इसको पहले सेट कर देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग को अपनी चूड़िया का जो कलेक्शन है वो दिखा दूँगी। और बेडशीट चेंज नहीं करूँगी क्योंकि बेडशीट मैंने परसों ऐसे कुछ लगाया है, तो बेडशीट अच्छी है अभी साफ़ सुथरी है। बाबू लोग तो यहाँ सोते नहीं हैं, तो मम्मी घर में सोते, तो छोटा वाला भी यहाँ जल्दी नहीं सोता है, कभी वहाँ सोता है कभी यहाँ सोता है, तो ज़्यादा गंदी नहीं होती बेडशीट, तो इसी वजह से ये बेडशीट मैंने चेंज नहीं किया, बस उसको सेट कर दिया। और सेट करके मैं तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो मेरा बेड जो है सेट हो गया है। सारे करने के बाद मैं सारे कंबल वगैरह को सेट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है आप लोग को चूड़िया का कलेक्शन दिखाऊंगी। और थोड़े से कपड़े वहाँ पे पड़े थे तो मैंने वीडियो लगाया था, लेकिन कैसे क्या मालूम वीडियो नहीं बना वो, तो बस ये सेट कर दिया है और तकिए वगैरह लगा दूंगी। उसके बाद जो है दूध फ्रेंड्स अलमीरा को खोल के सारे जो सामान है वो सब रख रही थी और वो सब सेट किया था मैंने, उठा के में जो सामान रखे थे इधर उधर हो गए थे, और फिर जाके टाइमर लगा के मैंने दूध चढ़ा दिया है। और उसके बाद मैं आप लोग को अपनी चूड़ी कलेक्शन दिखाऊंगी, तो चलिए फ्रेंड्स दिखाती हूँ मैं क्या क्या चूड़ी है मेरे पास, और आशा करती आप लोग को अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो ये फर्स्ट वाला डब्बा है, तो मैं इसमें जो है ना पूरा सेट है, मतलब दोनों हाथों का है, और ये कितने कितने रेंज के हैं, और ये उड़ीसा के हैं। मैं आपको पहले बता देती हूँ यहाँ की चूड़ी नहीं है, वेस्ट बंगाल की नहीं है, ये उड़ीसा से आई हुई है, उड़ीसा की चूड़ी है। और हमारे वहाँ का चूड़ी जो रहता है ना फ्रेंड्स जल्दी जो है ना डैमेज नहीं होता है, और क्या होता है ना कि चूड़ी जो है ना हमारा यहाँ का स्टोन वगैरह जल्दी उखड़ते नहीं है, अच्छी रहती चूड़ी, बहुत दिन चलती है, इसीलिए हम लोग उड़ीसा से मंगवाते हैं। यहाँ पर भी मिलता है लेकिन यहाँ पर रेंज भी ज़्यादा है। और ये सारी चूड़ी ये मेरे मुझे पड़ा है 200 का, ये जो 6 पीसेस देख रहे हो ना आप, ये 200 का है। और इसके साथ आया है ये है 100, दोनों का पड़ा है मुझे, क्योंकि ये सेट है, मतलब इसको सेट करके पहनना जाता है। रुके मैं आपको अभी दिखाती हूँ सेट करके किस तरह से ये होता है, मैं खोल के आपको दिखाती हूँ, 2 मिनट वेट करिए। और तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो वेट कर सबको सेट करके मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और ट्राइपॉड टूटा हुआ है, उसको मैं एडजस्ट करके चला रही हूँ, और ये देख सकते हो कुछ इस तरह से आएगा। आप चाहो तो इसे और लेके दो हाथ में भी पहन सकते हो इतना इतना, या फिर एक एक हाथ में आप 12-12 करके चूड़ी रहेगा, 9-9 करके 18 चूड़ी है। और ये देख सकते हो आप, ये 50 रुपीज़ का है, ज़्यादा पैसा का नहीं है, ये ओनली 50 रुपीज़ का है, ये 4 पीसेस है। इसमें सारी चूड़ी में मेरा स्टोन वर्क है, और ये एक ब्लू कलर की है आप देख सकते हो, ये भी स्टोन वर्क है, ये भी 50 रुपीज़ का है। और एक दिखाती हूँ आपको, ये कलरफुल में है, ये भी 50 रुपीज़ का है, मैंने ये भी आंटी ने 50 रुपीज़ में ही लिया है। जितनी भी चूड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ ना अभी 4 सेट जो, वो सब 50 रुपीज़ का है, ज़्यादा दाम का नहीं है। ये भी देखिए रेड में है, ये थोड़ा अलग टाइप का रेड में है, 50 रुपीज़ का है। और ये जो सेट देख रहे हो आप, ये मेरा 100 का है, ये 100 का है, इसमें लटकन वगैरह लगी हुई है फ्रेंड्स। और एक दिखाती हूँ, ये भी 100 का मुझे पड़ा है, ये वेस्ट बंगाल का चूड़ी है, ये भी मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा था, मुझे गलती से बोल दिया 100। और ये भी 100 का है, ये 4 पीसेस है, ये सिर्फ 4 पीसेस में, इसको आपको ऐड करके पहनना पड़ेगा। ये एक सेट है, और मैं आपको पहन के दिखाती हूँ हाथ में, ये अच्छे से इजीली मेरे हाथ में हो जाता है, तो अच्छा लगता है, देख सकते हो, देखिए इजीली। और एक सेट दिखाती हूँ, रुकिए, ये भी इसी टाइप में है लेकिन ये थोड़ा अलग डिज़ाइन का, आप देख सकते हो। ये मेरे हस्बैंड ला दिए थे मेरे लिए मार्केट से, तो इसमें और भी चूड़ियाँ थी बरपूजा में, जो है ना बरपूजा होता है, उसी में मेरे हस्बैंड ला दिए थे, तो उसकी और भी चूड़ियाँ हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। और ये 2 गोल्डन के बैंगल हैं, 2 और भी 2-3 थे, तो मतलब और एक 2 सेट था तो वो ख़राब हो गया, और ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास, बस इतना सही था, और 2 सेट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। बस कंप्लीटेड इतना ही मेरे पास कलेक्शन है, और कोई भी चीज़ मैं ज़्यादा नहीं खरीद के रखती हूँ। और ये एक सेट है इस तरह का, 2 हाथों में पहनने के लिए, ये रंग बिरंगा है, अच्छा लगता है, कोई भी साड़ी में ड्रेस में पहनो, तो ये देख सकते हो गया फ्रेंड्स। और इतने सारे ही कलेक्शन थे मेरे पास, तो मैंने आप लोग से शेयर कर दिया, आई होप कि आप लोग को ये मेरा कलेक्शन अच्छा लगा होगा छोटा सा। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी वीडियोस को, वीडियो को रात भी हो चुकी है,
और अभी 8:30 ऐसे कुछ टाइम हो रहा होगा, मेरा खाना बन चुका है फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा कि आज तो कोई काम नहीं किया मैंने, मतलब किया है काम लेकिन आप लोग के लिए सूट नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना चूड़ी कलेक्शन दिखा दिया जाए, तो इसलिए मैंने दिखा दिया। तो आप लोग को मेरा चूड़ी कलेक्शन कैसा लगा मुझे बताना जरूर कमेंट करके, आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।